बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अब मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी पे शामिल हुए हैं। तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले जेडीयू विधायक में केएच जयकिशन है, एन सनेत मोहम्मद उच बहदीन है, पूर्व पुलिस महानिदेशक एएम खाउटे हैं और साथ ही थांग जाम अरुण कुमार शामिल है। देर रात इस राजनीतिक गतिविधि ने मणिपुर और बिहार दोनों जगह सियासी भूचाल ला दिया है। एक तरफ जेडीयू इसे असंवैधानिक बता रही है तो वहीं बीजेपी खुले दिल से उन विधायकों का स्वागत कर रही है। तो जेडीयू के लिए इसे बड़ा झटका इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 38 में से 6 सीटें जीती थी, लेकिन अब उन 6 विधायकों में से 5 ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं सियासी संकट के बीच आज पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। तो जेडीयू को बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है कृष्णा, जहां 6 में से 5 विधायकों ने मणिपुर के अंदर बीजेपी का दामन थाम लिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी बिहार में सियासी पारा आगे पीछे होने के बाद जेडीयू जिस तरह से बीजेपी से अलग हुई थी, बीजेपी ने अपना काम करना चालू कर दिया है। जेडीयू के खाते से जहां जहां भी विधायक है अपने में जोड़ना चालू कर दिए हैं। उससे पहले विगत 10 दिनों के अंदर में जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने एक विधायक जो जेडीयू के खाते से वहां सिटिंग विधायक थे, चूंकि जब अरुणाचल प्रदेश में 2019 में चुनाव हुई तो वहां जेडीयू ने 7 विधायक वहां 7 सीट उनको मिली थी जेडीयू को, उसमें से 6 सीट पहले बीजेपी के खाते में चली गई थी, एक सीट जो थी वो भी जो था वहां बचा हुआ जेडीयू को ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में किया। उसके बाद मणिपुर का जो हुआ, मणिपुर में भी उन्होंने जो सीट जीती थी उसमें से 5 विधायक, 6 से 5 विधायक वहां शामिल हो गए हैं। आज चूंकि बिहार में कार्यकारिणी की बैठक है और अहम मुद्दों पे चर्चा होने था, लाजमी बात है कि कहीं ना कहीं जेडीयू को बीजेपी अपना जो बिहार में जो अपना खेल खेले हैं, जैसे जेडीयू अलग हुए बीजेपी से तो अपना वर्क कर रही है और जेडीयू को क्योंकि जेडीयू जिस तरह से बिहार में अलग होने के बाद मणिपुर में अपना समर्थन बीजेपी से वापस दी थी, ये चीज उसी समय सोचा जा रहा था कि हो सकता है कि जेडीयू की जो विधायक है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कार्यकारिणी की आज जो ये बैठक होने जा रही है जेडीयू की, तो क्या यह भी संभव है कि आज ये निश्चित कर लें और अपने जितने भी विधायक हैं उनको संभाल के रखें कि कहीं वह भी बिहार के अंदर बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर ना आए? बिल्कुल, चूंकि ये कार्यकारिणी की बैठक पिछले 21 अगस्त को ही ये सोचा गया था कि बिहार में कार्यकारिणी की बैठक रखनी है, क्योंकि अलग होने के बाद उन्होंने अपनी जो पकड़ है मजबूत के लिए ये मीटिंग रखी थी। हालांकि पकड़ मजबूत तो नहीं हो पाई, हालांकि दो राज्यों में उन्होंने अपना कुछ विधायक गवा बैठे हैं। बिहार में अगला ये 2024 का चुनाव को लेके और विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव पे उनको आज ये कार्यकारिणी की मीटिंग करनी थी, जिसमें आज और कल मीटिंग है, 3 और 4 तारीख को 2 दिन में उसमें मीटिंग है। उसमें अपना संगठन का निर्माण भी करना था, संगठन की सदस्यता अभियान भी करनी थी और जो संगठन का एक पोर्टफोलियो होता है कि अगर आप कहीं अलग होते हैं किसी भी पार्टी से जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा था और फिर आगे कोई और पार्टी के साथ आप अपना सरकार बनाते हैं तो पोर्टफोलियो को उन्होंने चूंकि सरकार तो बना ली लेकिन पोर्टफोलियो के अनुसार से मीटिंग वो नहीं कर पाए थे, तो ये मेन उस चीज को लेके आज कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई थी। लेकिन जिस तरह से जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस मुद्दों को नजरअंदाज करके मेन मुद्दा जो कार्यकारिणी की मीटिंग में यही रहेगा कि वो अपने विधायक को संभाल के रखें, विधायक पे कोई गाइडलाइन जारी करें ताकि फिर जेडीयू से वो अलग ना हो सके। तो क्या लगता है 2024 से पहले इतना मजबूत कर पाएंगे अगर हम नीतीश की बात करें, क्योंकि मणिपुर के अंदर तो झटका लग गया है और महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला बीजेपी द्वारा, तो क्या बिहार में अपने जितने विधायक हैं उनको संभाल कर रख पाएंगे नीतीश? जी बिल्कुल, अभी तो उनको करना यही होगा। हालांकि जिस तरह से सियासी बिहार का जो सियासी सिस्टम है और जो सोच के बिहार में वो सरकार बनाए थे बीजेपी, जो सोच के उनको प्रोटेक्ट की थी कि ये नीतीश ही बिहार के चेहरा रहेंगे, ऐसे कंडीशन में देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिन में हो सकता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू को बिहार में मुश्किलों की सामना करना पड़े। उनको विधायक को कितना दिनों संभाल के रख पाते हैं, चूंकि सरकार बनने के बावजूद भी मणिपुर में जैसे झटका लगा है, उसे पढ़ना अरुणाचल प्रदेश में पिछले सप्ताह में जो कारनामा वहां हुआ है, तो बिहार में जाहिर सी बात है कि पार्टी जो जिसके साथ उन्होंने अलायंस किया है आरजेडी है, तो आरजेडी भी कहीं ना कहीं ये चीज गेम कर सकती है। जेडीयू ने आरजेडी भी ऐसे गेम कर सकती है, चूंकि ऑलरेडी उनकी जो संख्या बल है वो संख्या बल कहीं ना कहीं
बहुत ज्यादा है, और ये भी जी प्यास लगा है, ये भी मैं सूत्रों से पता है कि हो सकता है कि आरजेडी ही उनके जो पार्टी में सेंध लगाए। तो क्या लगता है कि कृष्णा आने वाले समय के अंदर ये पार्टी कितनी मजबूती से टिक पाएगी, क्योंकि जेडीयू के साथ आरजेडी भी है, फिर कांग्रेस भी नाखुश है जब से सरकार बनी है, तो क्या लगता है कब तक टिक पाएगी ये सरकार? और मणिपुर के बिहार अंदर में झटका लग अभी चुका फिलहाल, है। बिहार में अभी जिस तरह से जदयू के हालात है, बिहार में नहीं पूरे देश लेवल पर, जिस तरह से जदयू जहां जहां चुनाव लड़ी थी उसके बाद बिहार में सबसे ज्यादा सीट लेके जिस तरह से सरकार में बनी रही है और सीटें मिली है, उस सबको देखते हुए जदयू को कहीं ना कहीं सरकार में ही नहीं जदयू की पार्टी में भी, अंदर पार्टी खेमे के अंदर भी बहुत सारे उथल पुथल चल रहे हैं। जिस तरह से आरसीपी सिंह जाने के बाद ललन सिंह पार्टी का कमान संभाले, और उसमें बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अभी भी नाखुश चल रहे हैं, इस सबको देखते हुए लग रहा है कि खासकर बिहार में अब जेडीयू अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख पाएगी आने वाले दिनों में। हो सकता है कि उनकी पार्टी के और सारे विधायक हो सके आरजेडी ज्वाइन कर ले या बीजेपी ज्वाइन कर ले। हालांकि बीजेपी अपना वर्क करना चालू कर दिया है, बीजेपी पिछले 1 महीने के अंदर में 2 बार अपनी टीम की